फेज टू में आपको पता है तीन पेपर रहते हैं, ई एस आई इंग्लिश, एफ एन एम, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। ओके सो नाउ, अब इसमें भी ई एस आई में करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके फाइनेंस में भी करंट अफेयर इतना इंपॉर्टेंट है बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ओके एक तो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट अपने आप में टोटली 100 नंबर का पेपर है, उसमें से फाइनेंस लगभग 50-60 नंबर की रहेगी। उसमें से काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें स्टैटिक रहती हैं, कुछ चीज़ें डायनेमिक रहती हैं, बहुत कम चीज़ें डायनेमिक रहती हैं। तो हम ई एस आई और फाइनेंस के करंट अफेयर को इकट्ठा लेके चलते हैं। ओके समझाओ, अब इसके करंट अफेयर रैदर देन मंथ वाइज, रैदर देन मंथ वाइज, व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप सेक्शन वाइज करो, कि इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर आपने कर ले, सोशल इश्यूज़ के एक साथ कर ले, फाइनेंस के एक साथ कर ले, पॉलिसी वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसी वगैरह के एक साथ कर ले। ओके और हमें इसी टॉपिक तक रहना है। ओके अब इसमें ये नहीं क्वेश्चन नहीं आएगा कि फीफा का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ। ओके क्योंकि समझो यह इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू, ये जनरल अवेयरनेस नहीं है, तो इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू रिलेटेड जनरल अवेयरनेस ही पूछेंगे। ओके ये फीफा के बारे में नहीं पूछेंगे, वो आपको उसका याद करना है, फेज वन में याद करना है। ओके और वो भी तीन मंथ का फीफा, मतलब तीन मंथ तक जो भी आपका करंट हुआ है इसमें। लेकिन ये है कि हाँ लिमिटेड करंट अफेयर है बट थोड़ा सा स्पैन ज़्यादा है। ओके एक और करंट अफेयर का बेसिक फंडा होता है कि आपको बार बार उस करंट अफेयर बेसिस पे टेस्ट देते रहने, टेस्ट देते रहने। ओके सो जैसे इकोनॉमिक्स का जो जो भी पॉलिसीज आई हैं रिसेंटली, पॉलिसी आई हैं उस पे टेस्ट देते रहो। ओके तो पॉलिसी जो मैंने अलग से लिखी है, एक्चुअली पॉलिसी करंट अफेयर इज मोर लेस विल बी क्लब्ड इन टू दिस इकोनॉमिक्स और सोशल इशूज ओनली। ओके तो ओके सो नाउ जैसे स्कीम्स होगी, कुछ इकोनॉमिक स्कीम होगी, कुछ सोशल स्कीम्स होगी। ओके स्पैन क्या है, 8 मंथ मेजोरिटी और 4 मंथ, मतलब एक साल का आपको लेके चलना है। ओके बिलीव मी इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट, एक साल को बहुत डिफिकल्ट नहीं समझना है क्योंकि इसके अंदर लिमिटेड चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें हैं। फेज टू में बहुत अनइंटरेस्टिंग चीजें, फिर फेज वन में बहुत अनइंटरेस्टिंग चीजें भी होंगी कि कौन सी सिटी ने अभी हाल ही में आपका जून में कुछ स्मार्ट सिटी अवार्ड दिया है। ओके सूरत को कुछ स्मार्ट सिटी अवार्ड दिया, तो उस तरह की चीज़ों को कुछ मतलब सीरा कुछ वही नहीं है उसका कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे चीज़ों का मतलब रहेगा फेज टू में, हाँ ये स्कीम है, ये स्कीम का क्या हिस्ट्री था क्या नहीं था, वो चीज़ें इस तरह से हम इसको करना है। ओके लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा स्पैन का करना है। ओके लाइक रैंक क्या है थी इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, अब इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन देता है, कितना जंप हुआ, कैसे जंप हुआ, वो चीज़ हो गया। ओके मैटरनिटी लीव अमेंडमेंट एक्ट 2017 आया था उसमें, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन, इनफैक्ट ये चीज़ दोनों लास्ट ईयर के क्वेश्चन थे, तो ये इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। ओके सो नाउ अब करंट अफेयर्स में आइडियल सिचुएशन में अगर आपके पास टाइम होता तो आपको ये सब कुछ कवर करना चाहिए, न्यूज़पेपर, हिंदू बिजनेस स्टैंडर्ड, योजना, कोई वीकली मैगजीन, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, ये चीज़ें ठीक है। लेकिन अभी गिवन लुकिंग एट द टाइम क्रंच इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है और ऐसा जाना भी नहीं, इनके पीछे मत जाना सीरियसली, यू कैन नॉट कवर दिस, बी प्रैक्टिकल कैन नॉट कवर दिस। टेक एनी मटेरियल बाई एनी स्टैंडर्ड मटेरियल, आपके दोस्त ने लिया होगा आपने लिया, उससे प्रिपेयर करो, न्यूज़ वेबसाइट पर जाकर देख लो एक बार। ओके इकोनॉमिक्स जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट पर जाओगे उसमें इकोनॉमिक्स का पेज रहेगा, उस पर जाकर देख लो क्या क्या न्यूज़ रही है पिछले एक साल की, दैट इज़ मोर देन एनफ, वो काफ़ी है, आराम से क्लियर कर दो। हाँ थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, जैसे कि आपको सिंपल में एग्जांपल देता हूँ कि अभी अभी जो हुआ है रिसेंटली, आई थिंक 3 डे और 4 डे पहले की बात है, जैसे ओपेक है हमारा, ओके ओपेक है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। ओके सो नाउ उनका एक क्लस्टर बना हुआ है। ओके एक वो इसको इकोनॉमिक्स टर्म में बोलते हैं कि एक कंसोर्टियम टाइप का बना हुआ है। ओके नाउ उसकी वजह से वो क्या करते हैं, सप्लाई कट करते हैं, जैसे पेट्रोल, पेट्रोलियम की सप्लाई कट करते, पेट्रोलियम का प्राइस बढ़ गया। ओके सो अब उस चीज़ के लिए क्या हुआ कि प्रेजेंटली कुछ ही दिनों पहले जो मेजर ऑयल बायर लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम सभी इकट्ठे आते हैं ताकि हम एक बड़ा कस्टमर बन पाएं। अभी ऑयल प्रोड्यूसर बड़े हैं, ओके क्योंकि इकट्ठे भी हो गए हैं जितने भी ऑयल प्रोड्यूसर हैं, ये कह रहे हैं कि हम एक ऑयल बायर बनते हैं, बड़ा बनते हैं, ओके हम अपने आप बढ़ते हैं ताकि हमारे ऊपर जो ऑयल सप्लायर जो है हमारा शोषण कर रहा है वो ना कर पाए। ओके वो क्लस्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो पूछ सकते हैं इसके लिए कि वो क्लस्टर क्यों बना रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा क्या नहीं होगा, थोड़ा सा इकोनॉमिक उस तरह से पूछ सकते हैं। ओके तो अब ये सब चीज़ें आप खुद तो नहीं कर सकते हैं, इट्स नॉट दैट इजी टू कवर ऑल द थिंग्स। ओके तो ये कोई स्टैंडर्ड मटेरियल ले, कोई न्यूज़ वेबसाइट्स आपको उठाओ उसको पढ़ो, दैट विल मेक द सेंस फॉर यू। ओके और वही चीज़ बेटर है यहाँ पर। ओके नाउ स्टैटिक पार्ट में जो मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ, मैनेजमेंट जो है स्टिक टू द सिलेबस, मैं कह रहा हूँ मैनेजमेंट आप छोड़ भी सकते हैं अभी, और फेज़ वन का जब एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद आप मैनेजमेंट शुरू कर सकते हैं। ओके दैट इज़ माई सजेशन ओनली, आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड डू दैट, अगर आपको बहुत ज़्यादा वीक लगता है तो दैट कैन बी, मतलब अगर एक एक्सपर्ट के हिसाब से पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि मैनेजमेंट को आसानी से 2 या 3 दिन बैठ के आप वेबसाइट पर बैठ के आराम से देखेंगे पूरा मैनेजमेंट कवर हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस से स्टिक रहना है और आपको
टू मच डिटेल में नहीं जाना चीज़ों की, हाँ थोड़ा समझना ही का रहेगा ओके तो मैनेजमेंट को आप पोस्टपोन भी कर सकते हैं फॉर मतलब आप 16 के बाद ले सकते हैं। उसके बाद फाइनेंस के अंदर जो है थोड़ा सा बियॉन्ड सिलेबस जाना पड़ता है, रीज़न बिंग इज दैट क्यों वो जो RBI का हैंड आउट रहता है, एग्जाम हैंड आउट रहता है RBI का, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी क्वेश्चन मेंशन है जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है, इसलिए थोड़ा बियॉन्ड सिलेबस जाना रहेगा। बट अगेन नॉट गोइंग टू टू मच डीप डीप, जैसे कि आप बोलो कि बॉन्ड के बारे में बात करता हूँ मैं, बॉन्ड के बारे में प्राइसिंग प्राइसिंग का आएगा, लेकिन एक ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट होता है, या ऑप्शंस डेरिवेटिव के बारे में बात करते हो, उसमें एक ऑप्शंस होती हैं, ऑप्शंस जो होती हैं डेरिवेटिव है एक ओके, उसकी प्राइसिंग होती है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, उसमें इतना नहीं जाना, थोड़ा सा पता लग जाए बस, थोड़ा सा है काफ़ी है। ये फाइनेंस का पार्ट हो गया। ESI स्टैटिक पार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, और अच्छे से समझने की जरूरत है, लेकिन मैं कहूँगा कि NCERT पढ़ो, अभी NCERT क्लास 12th का मैक्रो पढ़ लो, इतना ही काफ़ी है, उससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, या किसी एक्सपर्ट से अपना आपका दोस्त अगर इकोनॉमिक्स में, दो दिन आपको कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ कि जो स्टैटिक पार्ट समझने के लिए सिर्फ दो दिन चाहिए, दो दिन में आपको पूरा स्टैटिक पार्ट ढंग से समझ आ जाएगा, अगर कोई सी एक्सपर्ट से आप सलाह लेते हैं। एक्सपर्ट मतलब अगेन, एक्सपर्ट इज नॉट अ टीचर, इज नॉट दैट कोचिंग के अंदर जाइए, एक्सपर्ट का मतलब अगर आपके दोस्त को इकोनॉमिक्स आते हो एक्सपर्ट हो गया ओके, दो दिन में आपका इकोनॉमिक का स्टैटिक पार्ट हो जाएगा, लेकिन वो स्टैटिक पार्ट इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा समझना, वाई बिकॉज जब डायनेमिक पार्ट है वो चीज़ें ढंग, जैसे OPEC का मैंने एग्जाम्पल दिया ओके, OPEC का डिमांड वाले लिए इकट्ठा क्यों आना चाह रहे हैं ओके, इसका एक इकोनॉमिक रीज़न है, वो थोड़ा सा आप समझ लेंगे सप्लायर डिमांड के बारे में, तभी आपको ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे ओके। तो ये चीज़ हो गया ESI। नाउ तो स्टैटिक पार्ट ही हो गया। अब इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा दिया है कि उसका आपको पूरा डिटेल में जानना है तो हमारा एक दूसरा वीडियो उसमें आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें आपको लगभग थोड़ा थोड़ा ग्लांस कर दिया कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। नाउ इंग्लिश, इंग्लिश में जो जनरली लोग इग्नोर करते हैं, बिल्कुल मत करो, राइट टू एसर वन प्रेसेस पर वीक इन द मंथ ऑफ जुलाई ओके, अगस्त में फिर छोड़ दो, 16 अगस्त तक छोड़ दो, 16 अगस्त के बाद मतलब 1 से 16 अगस्त तक आप छोड़ दो, फेज वन पे कंसंट्रेट ज़्यादा करो, 16 अगस्त के बाद 16 अगस्त के बाद एक ऐसे एक प्रेसेस एटलीस्ट वन ऐसे वन प्रेसेस टू डेज दो दिन में एक बार लिखो ओके, टिल द टाइम आपको कॉन्फिडेंट ना आ जाए भैया हो गया बस, अब कुछ भी ऐसे आज हम कर देंगे, टिल देन राइट एन ऐसे ऑन टू डेज बेसिस, हर दो दिन में एक ऐसे लिखो फ्रॉम 16 अगस्त ऑनवर्ड ओके।